वैसे तो मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूं, मगर मेरा इंतजार मत करना, क्योंकि सफर सफर है। आज हम निकल पड़े थे एक निर्धारित यात्रा पर, एक ऐसी यात्रा जो अपने आप में संवाद करने जैसी थी। चकली चकली पौणी पी जे जे कल्पिस भी वो याद करे खोल जासिम से मिनरल वाटर ओ भाई। गुजरात के जूनागढ़ शहर में नाइट होल्ड करने के बाद सुबह 6 बजे हमारी गिरनार यात्रा शुरू होने वाली थी। इस यात्रा में हमें 5 से 7 हजार सीढ़ियां तय करनी थी। एक उम्मीद के साथ सुबह 6 बजे हम निकल पड़े गिरनार दर्शन के लिए। यह गिरनार है, पहाड़ी की ऊंची चोटी पर कई जैन मंदिर भी हैं। यहां की चढ़ाई बड़ी कठिन है, पर हर कोई चाहता है कि यहां की चढ़ाई आसानी से तय हो। हर कोई यहां अपने मन में ईश्वर का स्मरण लेकर इसी चढ़ाई को तय करता है। गिरी शिखर तक पहुंचने के लिए 7 हजार सीढ़ियां हैं, और इन मंदिरों में सर्व प्राचीन गुजरात नरेश कुमार पाल के समय में बने हुए हैं। दूसरे वास्तुपाल और तेजपाल के नामक भाइयों ने बनवाए थे। गिरनार में कई ऐतिहासिक प्रसिद्ध अभिलेख भी मिले। पहाड़ी की तलहटी में एक वृहत चट्टान पर अशोक की मुख्य धर्म लिपियां, जो ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में है, इनमें पाटलिपुत्र के चंद्रगुप्त मौर्य तथा परवर्ती राजाओं द्वारा निर्मित जीर्णोद्वारित सुदर्शन जी और विष्णु मंदिर का सुंदर वर्णन भी है। बारिश के मौसम में गिरनार की सीढ़ियां तय करना और प्रकृति से नजदीक से संवाद करना अपने आप में मौज लुटाने वाली बात है। जैसे जैसे सीढ़ियां तय होती रही, वैसे वैसे थकान भी ज्यादा महसूस हो रही थी, पर दिल में ईश्वर का स्मरण यही कहता था कि आज कुछ भी हो जाए, पर गिरनार की आखिरी चट्टान तक जाना है। आज की यात्रा काफी धार्मिक रहने वाली थी। रास्ते में कई जैन मंदिर से हम रूबरू हुए, और भारतवर्ष भूमि में कई ऐसे महान राजा हो गए जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर संन्यास धारण किया। ऐसे राजा गोपीचंद, राजा भर्तृहरि के गुफाओं के भी दर्शन हुए। भगवान गोरखनाथ की गुफा भी इसी चट्टान पर है। रास्ते में कई जैन मंदिर और 5 हजार सीढ़ियां तय करने के बाद हम पहुंचने वाले थे माँ जगदम्बा के दरबार में। जगदम्बा के दरबार में पहुंचते ही हमने माँ के चरणों में अपना शीश झुकाया, माँ से आशीर्वाद लिए और अब कुछ ही घंटों में हम यहां से पहुंचने वाले थे भगवान दत्तात्रेय के दरबार में। यही तो थी सबसे कठिन चट्टान, पर यहां से भला कोई कैसे लौट सकता है? अब कुछ ही तो सीढ़ियां रही हैं। हमने तय किया था चाहे कुछ भी हो जाए भगवान दत्तात्रेय तक आज पहुंचना ही है। बीच बीच में विश्राम करना भी जरूरी था, क्योंकि इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद थकान महसूस होना भी वाजबी है। कुछ ही घंटे में हम पहुंच गए भगवान दत्तात्रेय के दरबार में।
यहाँ फोटो एवं वीडियोग्राफी करना सख्त मना है। इसीलिए मैं अपने इस वीडियो में आपको भगवान दत्तात्रेय का मंदिर नहीं दिखा सकता दोस्तों, पर यह जरूर दिखा सकता हूँ कि हमने कैसे भगवान के चरणों में अपना शीश झुकाया और प्रकृति और अपने आप से एक संवाद किया। यहाँ हर कोई आता है भगवान से रूबरू होने, एक अनुभव करने, अपने आप से संवाद करने, प्रकृति से संवाद करने, और उसमें भी बारिश का यह मौसम चार चांद लगा रहा था। तकरीबन 3 घंटे में यह सफर हमने तय कर ली थी। अब वक्त था नीचे उतरने का। लोग कहते हैं नीचे उतरने में आधा घंटा कम मान लीजिए, यानी कि आप 2.5 घंटे में नीचे उतर सकते हैं। पर यहां हर सीढ़ी पर आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बारिश का मौसम कभी भी आपका पैर फिसल सकता है। अगर आप यहां अपने परिवार के साथ आते हैं तो सीढ़ियां कूदकर कहीं दूर न जाएं, फोटो एवं सेल्फी लेने का रिस्क बिल्कुल भी न लें, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। यहाँ प्लास्टिक एवं कचरा फेंकना बिल्कुल मना है, क्योंकि यहाँ कई वन्य जीवों का निवास स्थान है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ विराजमान रहते हैं एशियाटिक लायन, यहाँ लायन का निवास स्थान है। रास्ते में कई सारे भक्त अपने कंधों पर बोझ उठाकर पर्वत की सीढ़ियां तय करते नजर आईं। काफी ऊंचाई से दिख रहा था एक ऐसा शहर, बादलों से दिख रहा यह शहर कोई छोटा शहर नहीं है। यह शहर तो है एशियाटिक लायन की भूमि। यहां विराजमान है साक्षात भवनाथ महादेव। यह भूमि जहां कई सारे साधु महात्माओं ने तप किया, एक ऐसी भूमि जहां हर साल लगता है शिवरात्रि का भव्य मेला। नागा साधुओं की भूमि, भक्तों की भूमि, भोजन की भूमि, बिल्कुल सही कहा आपने, यही तो है जूनागढ़। सभी के चेहरे पर थकान के साथ साथ एक चमक भी थी, क्योंकि हमने आज गिरनार सर कर लिया था। आज की यात्रा काफी आध्यात्मिक रही। हर कोई अपने मनोमन अपने आप से बात कर रहा था, प्रकृति से रूबरू हो रहा था। काफी ऊंचाई पर बारिश के मौसम में तेज तर्रार पवन ऐसे स्पर्श हो रहा था जैसे कोई हमारा मिलन ईश्वरीय चेतनाओं से करवा रहा हो। यही तो है गिरनार में अखंड मौज लुटाने वाली बात, अपने आप में मौज लुटाने वाली बात। यह अनुभव तो वो ही कर सकता है जो खुद गिरनार आता है। अरे भला गिरनार कौन नहीं आना चाहता, यहाँ हर कोई गिरनार आना चाहता है। पर कहते हैं लाख इरादे बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, अरे गिरनार तो वो ही आते हैं जिन्हें खुद गिरनारी बुलाते हैं। काफी ऊर्जाओं से भरी यह यात्रा यहाँ पूरी होने जा रही थी, क्योंकि हमें और भी आगे अन्य यात्रा तय करनी थी।